हेलो एवरीवन मैं रशिका गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका मिनी ग्रामर शो में और ये आप लोगों को वीडियोज़ डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि पसंद डेफिनेटली आ रही होंगी क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसमें रोज़ पांच कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और इस तरीके से आपके पूरे ग्रामर के कॉन्सेप्ट का रिविजन हो जाएगा हंड्रेड गोल्डन कॉन्सेप्ट की सीरीज़ है जिसमें हम पाँच पाँच कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते जा रहे हैं और आज सिक्सटी से लेके सिक्सटी फाइव कॉन्सेप्ट तक यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली बहुत जल्दी हम इस सीरीज को खत्म करने वाले हैं तो अगर आप लोगों ने ये सीरीज को देखना स्टार्ट नहीं किया है तो प्ले को फॉलो कीजिए और सारी वीडियोज को सिक्वेंस में देखिए ताकि आपके ग्रामर का रिविजन बहुत अच्छे तरीके से हो सके जो भी आप लोगों ने पढ़ा है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर सिक्सटी वन से कॉन्सेप्ट नंबर सिक्सटी वन की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि नो सूनर के साथ आप क्या यूज करते हैं दान का यूज करते हैं जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हो काफ़ी ज्यादा एग्जाम में से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि नो सूनर के साथ हम दैन लगाते हैं और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अप्लाई इनवर्जन इफ सेंटेंस स्टार्ट विद नो सूनर साथ ही साथ इसी बात का भी ध्यान रख लेंगे दो कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया गया है एक साथ कि अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से होती है तो उस फिर फिर उसमें हम इनवर्जन अप्लाई करते हैं इन्वर्जन का मतलब क्या होता है इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देना हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है जैसे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हो लेकिन ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होता ये एक नॉर्मल सेंटेंस होता है बस इसको इन्वर्जन कहा जाता है जब आपका सेंटेंस किसी भी एडवर्ब से शुरू होता है तो उसमें हम इन्वर्जन लगाते हैं ठीक है तो दो बातें एक साथ याद रखनी है दोनों को एक ही कॉन्सेप्ट में डाल दिया गया है तो देखिए यहाँ पर नो सुनर डिड ही गो आउट देन शी केम गलत है सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है बेटा इनवर्जन लगा दिया चलो वो तो ठीक है पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई फिर सब्जेक्ट आ गया यहाँ तक तो सही थी बात लेकिन साथ साथ दोनों बातें याद रखनी है ना नो सुनर के साथ देन भी तो लगाना था लेकिन आपने टी एच ई एन वाला देन लगा दिया अब क्या होता है कि बच्चे रट तो लेते हैं कि देन आएगा लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा देन आएगा टी एच ए एन वाला देन आएगा जो हम यहाँ पे यूज करते हैं टी एच ई एन वाला जो देन होता है तो टाइम के लिए यूज़ करते हैं समय को दिखाता है एडवर्ब ऑफ टाइम ठीक है तो इसलिए देखो ये वाला सेंटेंस करेक्ट है सेकंड वाला इसमें आपने इन्वर्जन भी बना रखा है और साथ ही साथ ये वाला देन भी लगाया है इसीलिए ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है और ये वाला आपका इनकरेक्ट है क्लियर होगी बात सबको नेक्स्ट आ जाइए एक एग्जाम्पल पे देखते हैं एक बार नो सूनर आई डेड रीच द ड्रेस देयर देअ ही स्टार्टेड द लेक्चर कुल मिला के बाद यहाँ पे ये है कभी कभी तो वो क्या करता है कि नो सुनर के साथ आपको पेयर सही लगा के दे देता है अगर पेयर सही लगाएगा तो फिर यहाँ पे इन्वर्जन नहीं बनाता ठीक है और अगर कभी कभी क्या करते जैसे तो ऊपर वाले सेंटेंस में इन्वर्जन तो बना रखा था लेकिन पेयर डिस्टर्ब किया हुआ था तो दोनों का ध्यान रखना है इस बार आप देख रहे हो कि पेयर सही लगा रखा है लेकिन आई डिड कर दिया तो गलत हो गया ना इन्वर्जन लगाना है तो इसलिए देखो ये इनकरेक्ट है इसका जो सही है सही तरीका है लिखने का वो ये है पहले डिड आएगा उसके बाद आई आएगा हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले लगानी है आपको और यहाँ पर ध्यान भी लगा हुआ है इसीलिए ये सेंटेंस करेक्ट है और यहाँ पर लिखा भी है अप्लाई इन्वर्जन इन्वर्जन लगाओ ठीक है इसीलिए गलत हुआ है कॉन्प्ट नंबर सिक्सटी टू जिसमें हम बात कर रहे हैं अंटिल और अनलेस के बीच का डिफरेंस कि अंटल कहाँ पे यूज़ करते हैं और अनलेस का यूज़ कहाँ किया जाता है इन दोनों के बीच से आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आप देखते हो कि क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जहाँ पे अनटल लगाना हो वहाँ अनलेस लगा होता है जहाँ पे अनलेस लगाना हो वहाँ अनटल लगा होता है जब हमारा फोकस टाइम पर होता है वैन वी फोकसज ऑन टाइम वैन वी फोकस ऑन टाइम जब हम टाइम पे फोकस करते हैं तो हम अंटल लगाते हैं जब हम कंडीशन पे फोकस करते हैं एक्शन पे फोकस करते हैं तो उस केस में हम अनलेस का यूज करते हैं तो अनटल आता है समय के लिए और अनलेस आता है कंडीशन के लिए ठीक है बस यही इसमें बताया गया है कि अंटल इज यूज फॉर टाइम वाइल अनलेस इज यूज फॉर कंडीशन अनलेस को हम कंडीशन के लिए लगाते हैं दे आर नेगेटिव ये दोनों ही वर्ड आपके नेगेटिव होते हैं इसीलिए इनके साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया जाता नॉट नेवर जैसा कोई भी वर्ड नहीं आएगा ठीक है तो ये नेगेटिव है सो डू नॉट यूज एनी अदर नेगेटिव वर्ड विद इनके साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड आपको नहीं लगाना है क्योंकि दोनों इनके अंदर खुद ही नॉट छिपा होता है अगर मैं इनके हिंदी मीनिंग की बात करूँ ना तो इनका हिंदी मीनिंग होता है बेटा जब तक नहीं तो देखो नहीं तो पहले से ही अंदर आ गया तो इसलिए नॉट वर्ड का यूज इसके साथ नहीं किया जाता है ठीक है कुछ से समझते हैं कॉन्सेप्ट नंबर सिक्सटी टू देखिये जरा आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे आएंगे लिखा गया है अनलेस यू डू नॉट लेबर अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड यू कैन नॉट पास कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे ना तब तक तुम पास नहीं हो सकते हो तो अनलेस अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है आपने देखो इसके साथ नॉट का यूज़ किया इसलिए मेरा सेंटेंस कैसा हो गया है इनकरेक्ट हो गया है कैसे लिखना चाहिए था आपको ये रही करेक्ट फॉर्मेशन अनलेस यू लेबर अनलेस यू लेबर खाली ये आएगा ये डू नॉट जो आप देख रहे हो ना ये नहीं आना चाहिए था ठीक है तो ये इसकी करेक्ट फॉर्मेशन है थर्ड एग्जाम्पल देखिए आंटल शी कम्स टाइम पे फोकस किया गया है कि जब तक वो नहीं आ जाती आई शेल वेट फॉर हिम है ना मैं उसके लिए इंतजार करूंगा आंटल शी कम्स आई शेल वेट फॉर हर ठीक है लड़की की बात की जा रही है ना तो हर कर लेना यहाँ पे सेंटेंस जो है आपका एकदम करेक्ट हो गया है क्योंकि टाइम पे फोकस है तब तो तक तक वो नहीं तो तक आप उसका इंतजार करोगे तो समय की बात की जा रही है जब वी वी फोकस ऑन टाइम वी यूज अंटिल अंटिल तो इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया है बिल्कुल सही लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट नंबर टेक्सट थ्री पे आ जाइए जिसमें हम बात कर रहे हैं हार्डली स्केर्सली रेयरली बेयरली ये जो वर्ड्स होते हैं ना इससे आपके एग्जाम में काफी एरर आती है स्केर्सली की बात करूं हार्डली की बात करूं बेयरली की अगर हम बात करें तो बेटा इनके साथ हम ना वैन का यूज करते हैं आप देखोगे देन लगा मिलेगा कुछ और लगा मिलेगा तो गलत हो जाएगा हार्डली स्केर्सली बेयरली का जो पेयर होता है वो क्या होता है वैन होता है जैसे नो सुनर के साथ हम देन लगाते हैं ना बिल्कुल ऐसे ही इसके साथ हम वैन का यूज करते हैं ठीक है इफ सेंटेंस स्टार्ट विद स्कैर्सली हार्डली अगर आपका सेंटेंस शुरू होता है scarcely से स्टार्टिंग scarcely से हो रही है हार्डली से हो रही है या barely से हो रही है तो उसमें भी हमें क्या करना है इनवर्जन लगाना है और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है वी यूज हेल्पिंग वर्ब एंड दैन सब्जेक्ट क्यों ऐसा जैसे नो no सोनर के लिए किया था ना बिल्कुल वैसा ही ठीक है नो सोनर से हार्डली से स्केरली से rarely से बेरली से नॉट ऑनली से जब भी आपकी इनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हम इन्वर्जन अप्लाई करते हैं मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट और ऐसा क्यों होता है क्योंकि सारे के सारे एडवर्ब्स हैं और जब भी हमारे सेंटेंस की शुरुआत किसी भी एडवर्ब से हो तो हम उसमें इन्वर्जन अप्लाई करना होता है जैसे यहाँ पर देखिएगा हार्डली से आपके सेंटेंस की शुरुआत है तो दो बातें आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए एक तो इन्वर्जन लगेगा और दूसरा पेयर चेक कर लेना है कि वैन यूज किया गया है या नहीं वैन या बिफोर लगा सकते हो आप देन वगैरह कुछ लगा होगा तो गलत होगा ठीक है बिफोर भी लगा सकते हो अगर वैन नहीं है तो ठीक है तो हार्डली हार्ड ही है, पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है फिर सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ तक तो बात सही थी लेकिन देखो बात हो गई यहाँ पर गड़बड़ ठीक है इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया इसकी जो करेक्ट फॉर्मेशन है वो सेकेंड एग्जाम्पल में लिखी हुई है इनवर्जन भी बना रखा है और साथ ही साथ पेयर भी सही यूज़ किया है वैन लगा रखा है इसीलिए ये करेक्ट है तो दोनों बातें ध्यान रखनी है इन्वर्जन भी लगा होना चाहिए भी सही होना चाहिए और साथ ही साथ कोई नेगेटिव वर्ड भी यूज नहीं करना है इनके साथ। ये नेगेटिव है सारे। ना ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड वर्ड होता है। ऐसा लिखा होता हार्डली ही तो गलत हो जाएगा हार्डली के साथ भी आप कोई नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हो चलो कॉन्सेप्ट नंबर सिक्सटी फोर जिसमें हम अब हम यहाँ से हमारे जो कॉन्सेप्ट वो पॉजिटिव केस को लेकर होंगे जो नाउन के अंदर आप पढ़ते हो जितने भी पॉजिटिव केस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे सीक्वेंस में यहीं पर चलेंगे अब ठीक है एग्जाम्पल एग्जाम्स में काफी ज्यादा पॉजिटिव केस से लेके आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें पॉजिटिव केस का मतलब होता है जब हम चीजों को लेके पजिशन दिखा रहे हो अधिकार दिखा रहे हो अपोस्ट्रॉफी यस जो आप देख रहे हो ना ये हमारा पजिशन दिखाता है ठीक मतलब है और इसका मतलब होता है ऑफ अपोस्ट्रॉफी यस का मतलब होता है ऑफ हिंदी मीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो का या की सेंस यहाँ पे आ रही होती है फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा राम्स वाइफ तो राम की वाइफ तो जहाँ पे मैंने यहाँ पोस्ट लगाया का या की, की साउंड यहाँ पे आएगी और इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो ऑफ ऑफ की सेंस आती है इसीलिए हम राम्स वाइफ को देखो लिख सकते हैं द वाइफ ऑफ राम मैंने पोस्ट हटाया और उसकी जगह पे देखो ऑफ लगा दिया द वाइफ ऑफ राम राम की वाइफ ठीक है तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पर हमारा ये आ रहा है पहला पॉइंट

ठीक है तो जब भी हम किसी लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं तो उस केस में हम अपोस्ट्रॉफी लगा सकते हो लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो ये हमारा पहला यूज़ है अपोस्ट्रॉफी एस को लेकर ठीक है और उसी के साथ साथ ये हमारा दूसरा यूज है अपोस्ट्रॉफी एस को लेकर कि जब हमारी बात लिविंग थिंग्स को ना लेके नॉन लिविंग थिंग्स को लेकर हो सिक्सटी फाइव कॉन्सेप्ट में जो हम बात कर रहे हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं किया जाता देखो कितनी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है ठीक है कोई ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे में लिखा हुआ है कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते हैं लिविंग थिंग के साथ करते हैं लेकिन नॉन लिविंग के साथ नहीं करते जैसे कि मान लीजिए अगर आपको लिखा मिला टेबल्स लेग तो टेबल तो नॉन लिविंग है अगर आपको बोलना है टेबल के पैर तो आप टेबल्स लेग नहीं बोल सकते क्योंकि टेबल नॉन लिविंग है और उसके साथ अपोस्ट्रॉफी आप नहीं लगा सकते तो अगर आप यहाँ पेफी नहीं लगा सकते तो फिर आप इस चीज़ को कैसे लिखोगे मान लीजिए आपको कहना है कि यार टेबल का लेग टूट गया है तो क्या बोलना तो पड़ेगा अब पोस्ट्रॉफी लगा नहीं सकते हो तो उसको लिखने का तरीका होता है फिर आपको ऑफ लगा के ही ये लिखना पड़ेगा आपको बोलना है द लेग ऑफ टेबल ठीक है टेबल का पैर तो इसीलिए जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं टेबल है चेयर है कुछ भी हो चाहे बेड है तो उनके साथ हम यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी ऐसा यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर भी लेकिन एक्सेप्शन हैं कहीं पर कहीं बहुत सारी चीज़ों में आप देखोगे कि नॉन लिविंग थिंग होते हुए भी हम पे अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर सिक्सटी सिक्स में वही है उसी के बारे में बात करेंगे हम ठीक है आप द लेग ऑफ द टेबल बोल सकते हो या किसी पर्टिकुलर टेबल की बात कर रहे हो तो लेग ऑफ दिस टेबल या दैट टेबल वो आप चेंज कर सकते हो चीज़ों को ठीक है और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट नंबर सिक्सटी सिक्स में हम यही पढ़ेंगे कि क्या ऐसा है कि जब हम जहां पर हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी अपोसट्रॉफी लगा लेते हैं तो जस्ट वेट कीजिए थोड़ा सा अगली वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स टू सिक्स मिलेगा तो उसमें हम परसोनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स टू सिक्स और सिक्स टू सिक्स से लेके सेवेंटी तक खत्म करेंगे चीज़ों को ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोज़ को देखते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट का रिविजन करते रहिए बाय